ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए, हेलो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम राज्य और राजधानी और उनके राज्यपाल को पढ़ेंगे। मैं आपका प्रमोशन शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। अच्छा ठीक है, प्रचारात्मक इधर से बगल वाले जा रहे हैं। चलिए, और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, तो देश के राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है राज्य, राजधानी और इसका जो निर्माण हुआ है, निर्माण कब हुआ है, मतलब इसका गठन कब हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। राज्य और राजधानी सबको याद है, लेकिन ये जो गठन हुआ है, ये गठन कोई भी याद नहीं रखना चाहता है। क्यों पता नहीं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन में यही पूछा जाता है कि इनका गठन कब हुआ है। गठन का मतलब, गठन किसको कहते हैं, गठन कहते हैं कि जिस दिन से कोई चीज़ काम करना प्रारंभ कर दिया, सपोज दैट ये लोग आज से आना प्रारंभ कर दिया, तो इसका गठन कब से होगा, इस सब का गठन, सर जी इस सब का गठन कर दीजिएगा आज से, मतलब नाम लिख दीजिएगा, है कि नहीं। तो गठन हुआ उसी को बोलते गठन, मतलब ये पहले क्या था, तो वैसे राजा महाराजाओं का प्रांत था, वैसे खाता पीता करता था, वैसे पूरे आजाद था, गठन नहीं था, समझ गया। छोटे छोटे सीमांत में आदमी था, यहाँ का राजा वो हो गया, वहाँ का राजा वो हो गया, है कि नहीं। गठन नहीं था, वहाँ मुख्यमंत्री वगैरह सब नहीं था। तो क्या हो गया, उसके बाद है राज्यपाल को पढ़ लेंगे, राज्यपाल, और उसके बाद है मुख्यमंत्री साहब, ठीक है। तो मुख्यमंत्री को भी पढ़ लेंगे। चलिए, सबसे पहले ये एक बात और यहाँ दिला देते हैं जी, ये पूर्वोत्तर राज्य को और उत्तर भारत और पूर्वी भारत, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी विद्यार्थी के लिए, कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहला जो आठ राज्य यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आठ राज्य है, ये सब के सब क्या है, तो पूर्वोत्तर, कौन है, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर का मतलब भारत की जो आप सीमा देखिएगा, भारत की जो आप मैप देखिएगा, नक्शा, उसमें ये देखिएगा, तो सबसे पहले उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में बांट देना है नक्शा को, ठीक है। और उसके बाद उसमें देखना है कि उत्तर किधर है, पूर्व किधर है, और उसके अंतर्गत कितने कितने सारे राज्य आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें देखिएगा, तो सबसे पहले आठ जो राज्य मिलेगा वो पूर्वोत्तर, मतलब पूर्व दिशा से आपको मिलेगा, ठीक है। जो पूर्व दिशा से राज्य मिलेगा उसी को कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्य। क्लियर है, हो रही है बात। जो राज्य भारत के पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है उन्हीं को कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। और वो पूर्वोत्तर राज्यों की कुल संख्या है आठ, पूर्वोत्तर राज्यों की कुल संख्या है आठ, और उनके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला नंबर में देखिए, सबसे पहला नंबर का जो है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी है वो जानते हैं कहाँ है, तो ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और इसका गठन कब हुआ था, 20 जनवरी 1987 को, कैसे पढ़ना है, 20 जनवरी 1987। अंग्रेजी में कैसे पढ़िएगा, 1987, ठीक है। 19 को कहते हैं 19, और ई तो 87 हुआ, 87 हुआ ना, 80 को कहते हैं 80 या 7 को कहते हैं 7, तो 87, मतलब अंग्रेजी में 1987 में इसका गठन हुआ था, किसका, अरुणाचल प्रदेश का। और अभी जो वर्तमान की बात करें हैं, तो वर्तमान में उनके जो राज्यपाल है वह बी डी मिश्रा है। वर्तमान की जो हम घटना की बात करेंगे, गठन तो हुआ था 20 जनवरी 1987 को ना, हाँ, उसका जो राज्यपाल अभी जो चल रहा है, उनके राज्यपाल का क्या नाम है, बी डी मिश्रा, क्या नाम है उनका, बी डी मिश्रा। और मुख्यमंत्री कौन है, देखिए मुख्यमंत्री है प्रेमा खांडू, क्या नाम है, प्रेमा खांडू। अगला क्या है, अगला पढ़िए, अगला है त्रिपुरा, अगला कौन है, त्रिपुरा, त्रिपुरा का राजधानी अगरतला, इसका गठन कब हुआ था, 21 जनवरी 1972, कितना का गठन हुआ था, 21 जनवरी 1972। और इनके जो राज्यपाल है वो सत्यदेव नारायण, क्या लिखा है, आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। और उसके बाद है सत्यदेव, मुख्यमंत्री कौन है, देखिए विप्लव, मुख्यमंत्री का क्या नाम है, विप्लव देव, मुख्यमंत्री का नाम क्या है, विप्लव देव, क्या नाम है,
विप्लव देव, ठीक है, याद हो जाएगा ना। नागालैंड का देखिए, नागालैंड का कहाँ है राजधानी? कोहिमा। नागालैंड का राजधानी कोहिमा। इसका गठन कब हुआ था? गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर, देखिए वहां से, 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को। इसका उपराज्यपाल राज्यपाल कौन है? 1 दिसंबर 1963 राज्यपाल आर एन रवि है, ठीक है, आर एन रवि। अगला देखिए, मणिपुर का राजधानी यहाँ मणिपुर का इम्फाल। इसका गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972। इसके जो राज्यपाल है वो नाजमा ए हेपतुल्ला, क्या नाम है? नाजमा ए हेपतुल्ला, ठीक है। इसका मुख्यमंत्री कौन है? नोंग थोम्ब, ठीक है, नाम देखे कितना सुंदर है कि नहीं, नोंग थोम्ब, ठीक है, मुख्यमंत्री है किस कौन? नोंग थोम्ब किस, कहाँ का मुख्यमंत्री है? ये मणिपुर का है ना। चलिए, मिजोरम का राजधानी आइजोल। इसका गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को। अंग्रेजी में याद कीजिएगा तो थोड़ा जल्दी याद होता है, ठीक है, 1987 को इनका गठन हुआ था, ठीक है। इसके जो राज्यपाल है डॉक्टर हरी बाबू, क्या है रे, कंभमपति, क्या नाम है? हाँ, इसके मुख्यमंत्री है जोरमथंगा, क्या नाम है? जोरमथंगा, ठीक है। देखिए नाम कितना सुंदर सुंदर आ रहा है। असम का दिसपुर, इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। आप पौरो संयुक्त अवकर जीरो, इसका मतलब क्या हो जाता है? प्रोफेसर, क्या नाम है? प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर इसको पढ़ा जाएगा, लिख लीजिए कहीं पर, पौरो संयुक्त औ का मतलब क्या होता है? तो प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर। एक जगह कहीं कहीं आता है प्रो से प्रोपराइटर भी आता है, ठीक है। प्रोपराइटर कौन? जब कोई कंपनी का जो ICO जो करता है, जो मालिक होता है उसका, ठीक है, प्रोपराइटर, जिसके देखरेख में सारी काम सब होती है, यहाँ प्रोपराइटर नहीं, प्रोफेसर पढ़ना। तो प्रोफेसर जगदीश, क्या नाम है? मुखी, जगदीश मुखी। उसका मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा, ठीक है, हेमंत विश्वा शर्मा। वहां पे वो शर्मा लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे नहीं लिखता वो लोग, तब कैसे लिखता है? ऐसे, सो रो माक, ठीक है, ठीक है। तो वहां के जो लोग है वो शर्मा ऐसे लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। तो तुम मतलब एक ही हो गया, ऐसा नहीं, वो अलग है, तुम लोग अलग है। अगला देखिए, मेघालय का शिलोंग। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972। इसके जो राज्यपाल है वो सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। अगला देखिए, सिक्किम का गंगटोक। उसके बाद इसकी जो गठन हुई थी वो 16 मई 1972 को। इसका जो राज्यपाल है वो 1975, ठीक है, गंगा प्रसाद। इनके क्या है राज्यपाल? गंगा प्रसाद। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। चलिए, ये तो हो गया हमारा पूर्वोत्तर राज्य। तो कोई कोई पूछता है या एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको बताना है कि पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य में यहाँ से काउंट करके बता देना है फटाक से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सर पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं कुल 8 राज्य। अब वैसे भी पूछ देगा फटाक से कि 8 पूर्वोत्तर के 8 राज्य का नाम बताइए फटाक से, है कि नहीं, तो बता देना है फटाक से। पूर्वोत्तर राज्य के जितने भी राज्य आते हैं ये पूर्वोत्तर में आते हैं, याद रखना है, ठीक है। अगला देखो, उत्तर भारत मतलब सबसे टॉप पर,
सबसे ऊपर में जो मतलब पड़ता है, ये जो ऐसे जो रहता है इसके टॉप में जो राज्य आते हैं उनके कह रहे हैं नाम बताइए। ठीक है, भारत के जो नक्शा होगा आप मतलब उस पर आप देख लीजिएगा। तो उत्तर भारत में आते हैं कुल चार राज्य आते हैं उत्तर भारत के मतलब सबसे टॉप में। तो सबसे पहला आता है हिमाचल प्रदेश, सबसे ऊपर में जो आता है कौन आता है हिमाचल प्रदेश, उनकी राजधानी पड़ती है शिमला। और इनका गठन कब हुआ था तो 25 जनवरी 1971 को हुआ था। ठीक है, अगला देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड का राजधानी देखिए, उत्तराखंड का राजधानी देहरादून, और क्या नाम है, और कोई नाम है, एक और कोई नाम है देखिए, उसका नाम है गैरसेन। क्या नाम है? गैरसेन। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था कब? 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। ठीक है, और इनकी जो राज्यपाल है वो देखिए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लंकर, है ना? किसका बता रहे थे? अच्छा, 9 नवंबर। उत्तराखंड का राजधानी है देहरादून। ठीक है, गैरसेन, और इसका जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, आ देखिए उसके जो राज्यपाल है वो बेबी रानी मौर्या। आ उसके जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी नाम है। अगला देखिए पंजाब का राजधानी चंडीगढ़, इसका गठन कब हुआ था ये पता नहीं, नहीं इसका गठन के बारे में अभी रिकॉर्ड नहीं फाउंड हुआ है। ठीक है, चलिए इसके जो राज्यपाल है वीपी सिंह बदनोर, इसके जो मुख्यमंत्री है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला देखिए हरियाणा का भी राजधानी वही है जो मतलब पंजाब का है, हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़। ये जो रेकरिंग लगा हुआ है, रेकरिंग का मतलब जो ऊपर में है वही नीचा में भी है। ठीक है, तो हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़, गुड। और इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को गठन हुआ था। और ये जो इनके जो राज्यपाल है वह आनंदी बेन पटेल है। और इनके जो मुख्यमंत्री है वो बहुत ही जाने पहचाने हैं। ठीक है, वो भगवाधारी है कि नहीं? तो वो है योगी आदित्यनाथ, पूरे जिनको कहा जाता है वो अब सन्यासी बाबाधारी है कि नहीं? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, यह कहाँ हरियाणा का बता रहे थे ना, हरियाणा का 9 नंबर, उसके जो मुख्य उपराज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है और इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश लखनऊ के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ। ठीक है, और इनका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, और इनके जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदी बेन पटेल। इनके जो मुख्यमंत्री है वो पहले बता दिए है कि नहीं? वो योगी आदित्यनाथ। ये हुआ हमारा उत्तर भारत के राज्य। ये कौन है? उत्तर भारत के राज्य। जब कभी मौका मिलेगा पूरा राज्य को घूमना है, ठीक है, तब पता चलेगा। अच्छी बात है, गुड जॉब। ठीक है, अगला देखिए बिहार जो है हम लोग जिसमें अभी रह रहे हैं जिस प्रांत में, वो कौन से प्रांत आता है? तो पूर्वी भारत। ठीक है, हम लोग किस प्रांत में रह रहे हैं? तो पूर्वी भारत में रह रहे हैं। ठीक है, तो पूर्वी भारत में कुल चार राज्य आते हैं। पूर्वी भारत में कुल कितने राज्य आते हैं? चार राज्य आते हैं। वो चार कौन कौन है देखिए, पहले नंबर तो हम लोग हैं मतलब कि बिहार में हम लोग हैं, तो बिहार की बात करेंगे तो बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, और इनका जो गठन हुआ था वो कितना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, और इसके जो अभी राज्यपाल है वो राज्यपाल का नाम आप लोग जानते हैं कौन है? राज्यपाल फागु चौहान। ठीक है, और इनके जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को भी जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं? नीतीश कुमार साहब है मुख्यमंत्री हमारे, है ना? अगला देखिए झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची, और इनके जो गठन होने का टाइम है वो कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है ना, इसके जो राज्यपाल है वो रमेश
बैस, क्या नाम है? रमेश बैस। और इसको मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। चलिए अगला देखिए, पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और इनका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इनके जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? जगदीश हैं, कोलकाता में है, जन्म 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। जगदीप धनखड़ इसके जो है राज्यपाल, नाम देखिए कितने सुंदर है, जगदीश धनखड़, ठीक है। और इसके जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है, वहां के मुख्यमंत्री, ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, ओडिशा सबसे लास्ट है कि नहीं। ओडिशा का कहाँ है? भुवनेश्वर, क्लियर। अब भुवनेश्वर की राजधानी मतलब ये है, भुवनेश्वर तो राजधानी है, इनका गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसके जो राज्यपाल है वो कौन है? प्रोफेसर गणेश लाल। और मुख्यमंत्री पटनायक, ठीक है। तो ये हमारा है कुछ राज्य के और उनके राजधानी, और किस राज्य में किस देश किधर पड़ता है, तो वो सबको हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो आगे फिर से अभी मिलेंगे और नए वीडियो में।